हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट कार्बोनिल और वी कैन से मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। सो हमने दोस्तों वहाँ पे ऐसे कॉम्प्लेक्स देखे जहाँ पे एज अ लिगेंड कार्बोनिल थे और वहाँ पे कार्बन टू मेटल बॉन्ड था। और वहाँ पे हमने ये पढ़ा था दैट टू टाइप्स बॉन्ड्स आर पॉसिबल विच इज सिग्मा एंड पाई। वहाँ पे दोनों पॉसिबल है। पर्टिकुलर इन दिस लेक्चर यहाँ पे दोस्तों हमको कुछ एडिशनल पढ़ना है। कितना एडिशनल पढ़ रहा है दोस्तों, पर्टिकुलर इन दी मेटल कार्बोनिल कंपाउंड के कुछ पॉइंट्स है। सो स्टार्ट विद दी स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। इफ कार्बोनिल ग्रुप इज वर्क एज अ लिगेंड तो उसके पास वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है विच इज डोनेटेड। सो यहाँ पे दोस्तों अगर कार्बन की हम पेयर की बात करें, यहाँ पे कार्बन की एक बॉन्डिंग पेयर है और वी कैन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और एक ए ऐसी ऑर्बिटल है जहाँ पे लोन पेयर है। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पॉसिबल होगा। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे इसकी पाई ऑर्बिटल कौन सी है, दिस आर द पाई ऑर्बिटल्स फ्रॉम द पर्टिकुलर कार्बन एंड दी ऑक्सीजन पाई स्टार, और ऊपर जो दिख रही है दैट इज पाई। ऐसे तो दोस्तों लिगेंड को हम लुइस बेस बोल सकते हैं बिकॉज दे आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मेटल आयन और मेटल। मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट्स कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर एसिड्स, सॉरी लुइस बेस। बट पर्टिकुलर दोस्तों कार्बोनिल लिगेंड को हम लुइस एसिड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। जब पाई बॉन्ड बनेगा तब मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, और उसके जैसे कुछ और लिगेंड भी है उसकी भी बात करेंगे। देन रेजोनेटिंग फॉर्म ऑफ द मेटल कार्बोनिल। अगर मेटल कार्बोनिल एज अ लिगेंड वर्क कर रहा है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन स्लाइटली माइनस एंड कार्बन प्लस, और यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट है। यहाँ पे दोस्तों रेजोनेंस क्या पॉसिबल है, दिस इज सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज ड्यूअल बॉन्ड। यहाँ से दोस्तों इस तरह का रेजोनेंस पॉसिबल है, कार्बन मेटल बिकम डबल, कार्बन ऑक्सीजन बिकम फिर डबल, दोस्तों ट्रिपल टू डबल, सिंगल टू डबल। देन थर्ड दोस्तों और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इन विच और भी दोस्तों यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मेटल कार्बन बन ट्रिपल एंड कार्बन ऑक्सीजन बन सिंगल बट विद दी माइनस फॉर्म, दिस आर दी पॉसिबिलिटी। ये दोस्तों पॉसिबिलिटी है। एज द बैक बॉन्डिंग फ्रॉम दी एम टू सी ओ, बैक बॉन्डिंग फ्रॉम मेटल टू कार्बोनिल लिगेंड इंक्रीज। बैक बॉन्डिंग जैसे इंक्रीज हो रही है मेटल टू कार्बोनिल, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड, दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंक्रीज। सो पर्टिकुलर हम कब बात कर रहे हैं दोस्तों, मेजोरिटी केस में जहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दोस्तों ये थर्ड जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसकी पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही रहेगी। देन सी ओ कार्बोनिल इज अ पाई एक्सेप्टर लिगांड और पाई एसिड लिगांड। थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी दैट अगर लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को फिर से याद करें, द कंपोनेंट और कंपाउंड्स और ग्रुप विच आर रेडी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन दे आर लुइस बेस, विच आर रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन दे आर लुइस एसिड। सो यहाँ पे सी ओ इज अ पाई एक्सेप्टर, यहाँ पे पाई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, दैट्स वाई पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगांड, लिगांड दैट आर गुड पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड अ गुड सिग्मा डोनेटर आर कॉल्ड पाई एसिड। अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है पर्टिकुलर इन दैट केस इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, पाई बॉन्ड बनाना है इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे आर जनरली पाई एसिड लिगेंड्स। हमारे पास एक ही एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, बस आपको दोस्तों यहाँ से कॉम्पिटिटिव के लिए अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना, ये जितना भी पोर्शन दिख रहा है ऑल पोर्शन फॉर द कॉम्पिटिटिव ओनली, ये कॉम्पिटिटिव के लिए ही है दोस्तों। अगर आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ ऐसा टॉपिक या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड जिसके बारे में जानना है जहाँ पे दोस्तों हम ए लिखना चाहें, दैट सी ओ इज एसिड लिगेंड पाई एसिड लिगेंड एज वेल एज एनओ प्लस सी एन माइनस पी आर थ्री ट्राई अल्काइल फॉस्फरस, पी एच थ्री या फॉस्फिन, वहाँ से तीनों हाइड्रोजन को हम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दे, दे आर पाई एसिड लिगेंड्स, तो इसको याद रखना है। देन दी एनओ प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ दी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल, सिक्स फ्रॉम दी कार्बन एट फ्रॉम दी ऑक्सीजन, सिक्स प्लस एट इज इक्वल टू 14, इन एनओ प्लस सेवन फ्रॉम दी नाइट्रोजन एट फ्रॉम दी ऑक्सीजन 15, प्लस वन चार सो माइनस वन, 15 माइनस वन अगेन 40, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एनओ एंड एनओ प्लस बोथ आर लिगेंड, दोनों लिगेंड है दोस्तों। अगर एनओ प्लस की बात करें उसको हमने बोला था नाइट्रोसिल, सो द नाइट्रोसिल लिगेंड्स आर आइदर लीनियर और बेंड, लीनियर भी हो सकता है और बेंड भी हो सकता है। यू कैन सी इस तरह से लीनियर भी हो सकता है
और यहाँ पे बैंड दिख रहा है, बैंड स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। सो लीनियर एंड बैंड स्ट्रक्चर बोथ आर पॉसिबल। अभी दोस्तों उसके अकॉर्डिंग एक और बात याद रखनी है, तो लीनियर एन ओ, लीनियर एन ओ इज कंसिडर्ड एज अ एन ओ प्लस, कंसिडर एज अ एन ओ प्लस, वाइल बैंड इज कंसिडर्ड एज अ एन ओ माइनस। द लीनियर एन ओ इज थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर। एक्चुअली यहाँ पे लिगेंड से तो दो ही इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है और हम वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री इलेक्ट्रॉन। NO plus 1, it means एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डोनेट कर दिया, देन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन फॉर दैट, सो 2 प्लस 1 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटर। वाइल बेंट NO इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, बेंट NO वहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन का डोनेट होगा, क्यों? NO माइनस, इट मीन्स कहीं से एक इलेक्ट्रॉन खींच के लाया है और फिर दो डोनेट कर रहा, बट अल्टीमेटली डोनेशन एक का ही हुआ, बिकॉज उसके तो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वन इज फ्रॉम दी अदर सोर्स, सो एन ओ को हम बोलेंगे वन इलेक्ट्रॉन डोनर। उसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट याद रख रहा है, अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इफ द सम ऑफ द मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन सप्लाइड टू द मेटल आयन बाय द लिगेंड इज 18, द थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल कंपाउंड, उसको हम क्या बोलेंगे? यही केस में दोस्तों हमको थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल कंपाउंड मिलेगा, बट स्टिल देर आर सम लिमिटेशन, हाउ एवर देर आर फ्यू लिमिटेशन टू दिस रूल। इसको दोस्तों हम एक और रूल के साथ थोड़ा रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, दैट इज ई ए एन रूल के साथ दोस्तों इसको हम कंपेयर करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक रूल है जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, तो इसके साथ इसको भी रिलेट करेंगे। कल के दोस्तों मेटल कार्बोनिल में हमने देखे थे देर आर सम मेटल कार्बोनिल्स विच आर डाई सेंटर्ड, एक्चुअल में वहाँ पर डाइमराइजेशन हुआ था, पर्टिकुलर हमने देखा था Mn2CO8 सॉरी। सो वहाँ पर जो डाइमराइजेशन हुआ था, इफ वेनेडियम एक्जा कोबाल्ट एक्जा कार्बोनिल वेनेडियम अगर इस तरह के दो मोलिक्यूल को एक दूसरे के साथ कंबाइन करो और आप चाहो वहाँ पर डाइमराइजेशन हो, there is no possibility for the dimerization in particular in this example. So yes, point यहाँ पे अलग से एक सिंगल पॉइंट, मतलब और कोई एग्जाम्पल नहीं है, यही एग्जाम्पल को क्यों लिख के दिया है? बिकॉज एक बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? सो ये क्वेश्चन आ चुका है दैट देर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर द डाइमराइजेशन इन VCO5, सिंगुलर एटम ही रहेगा। ओके, देन अ मेटल विथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट सो पोलर बैक बॉन्डिंग, हमने ये पढ़ा था स्टेबिलिटी के लिए एक बात ये हुई थी, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, आगे भी उसकी बात करेंगे। और यहाँ पे ये लिखा दैट मेटल विथ हाई ऑक्सीडेशन नंबर सो पोअर बैक बॉन्डिंग, जब पर्टिकुलर इस तरह के केस जहाँ पे पाई बॉन्ड बनता हो, बैक बॉन्ड बन रहा हो, वहाँ पे दोस्तों पोअर बैक बॉन्डिंग, कौन सा मेटल आयन है जो एकदम स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड नहीं बनाएगा, विच इज़ इन हायर प्लस फॉर्म, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर हो, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं किसी को, अभी जो बचे वहाँ से भी किसी को देना है तो मे भी वहाँ पे उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सो दे आर पुअर बैक बॉन्डिंग इन नेचर। देन इफ द कोऑर्डिनेशन टू द मेटल, इफ द कोऑर्डिनेशन टू द मेटल आयन ऑफ द लिगेंड इज कॉन्टिग्यूस, इट इज टर्म एज अ हैप्टिसिटी, इट इज डोनेटेड बाय ईटा। दोस्तों ये कॉन्जिग्यूस, इट मीन्स सैंडविच, दो लेयर है उसके बीच में, मतलब ऊपर एक लेयर, दूसरा लेयर और उसके बीच में अगर कोई मेटल है, सो ये दोनों लेयर को हम लिगेंड बोलेंगे, बट वहाँ पे देट इज दे शोन हैप्टिसिटी, क्योंकि वहाँ पे क्या है दोस्तों, सैंडविच दिख, यू कैन सी ये कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन विथ साइकिल, सो साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे दोस्तों आप लोग राउंड, इट मीन्स हम वहाँ पे रेजोनेंस दिखा रहे हैं, देर इज टू डबल बॉन्ड इन दिस बोथ साइकिल, सो साइक्लोपेंटेन टू डबल बॉन्ड, साइक्लोपेंटाडाइन, टू साइक्लोपेंटाडाइन है दोस्तों हमारे पास, वी कैन सी हियर टू साइक्लोपेंटाडाइन। सो यहाँ पे दोस्तों पर्टिकुलर टू साइक्लोपेंटाडाइन है, वहाँ पे हम किस तरह से इसको शोन कर सकते हैं, अगर दोस्तों कंपाउंड में लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा ईटा, देन कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, सो 5। उसके बाद क्या करेंगे,
ये दोस्तों जो चेन हमको दिख रही है दैट इज C5H5 देन ट्वाइस इन टू एफ ई, सो वी कैन राइट एफ ई देर, एफ इज देर। सो इस तरह से दोस्तों ये कंपाउंड को हम लिख भी सकते हैं। अगर इसका नॉमिंग लेक्चर करना है तो नॉमिंग लेक्चर में हम यही लिख सकते हैं डाई और बीस, सॉरी दे आर इन दी कार्बोनिक फॉर्म बीन बीस इस मीन टू, बीस के बाद क्या लिखेंगे डाई, सॉरी बीस साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, नॉट डाई साइक बीस ब्रैकेट साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयन एंड देन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज जीरो ओवर ईयर। यहाँ पे दोस्तों हमको देखना क्या था ये एग्जाम्पल में, यहाँ पे हमारा जो मेजर कंपोनेंट दैट इज एप्टिसिटी, एप्टिसिटी देखनी थी, मतलब लिगेंड के सॉरी मेटल के ऊपर भी लिगेंड है साइक्लिक, नीचे भी लिगेंड है, बीच में मेटल आ रहा है। अगर मेटल को दोस्तों इस तरह से बीच में घेर लिया है उसकी सैंडविच बन रही है, इन दैट केस एप्टिसिटी इज देयर, वी हैव टू यूज सिंबल ईटा हियर। देयर इज वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, सपोज क्रोमियम, क्रोमियम के ऊपर दोस्तों इस तरह से रहेगा बेंजीन, यहाँ पे एक और चीज़ रहेगी एट्रैक्शन ऑफ दिस सेंट्रल मेटल आयन, ये सेंट्रल मेटल आयन की एट्रैक्शन किसके साथ है, एट्रैक्शन ऑफ दिस सेंट्रल मेटल आयन इज विद द पाई बॉन्ड और वी कैन से पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द साइकिल, जो ऊपर और नीचे का साइक्लिक कंपाउंड है वो साइक्लिक कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ दोस्तों वो एट्रैक्शन है। सो ये दिमाग में रहना चाहिए दैट एट्रैक्शन इज विद साइकिल और सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन, सिमिलर केस यहाँ पे भी दोस्तों पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ही एट्रैक्शन होगा। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, सिक्स इलेक्ट्रॉन इन दी सेंटर देन बेंजीन ट्वाइस इनटू सीआर। ओके हियर ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ अ लिगेंड, ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ द लिगेंड आर कोऑर्डिनेटिंग टू एफी साइमल्टेनियसली, हेंस इट इज कॉल्ड हैप्टिसिटी। एक ही साथ, मतलब जनरल केस में क्या है देर इज वन डोनर एटम, एक ही डोनर एटम रहेगा विच इज टारगेट। यहाँ पे दोस्तों पाई बॉन्ड है और आपको पता है पाई बॉन्ड इज नॉट स्टेबल, अगर पाई बॉन्ड है इट मीन्स वहाँ पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा इट मीन्स पाई बॉन्ड कंटिन्यूस चेंज होगा, अगर पाई बॉन्ड कंटिन्यूस चेंज हो रहा है तो थोड़ी देर के ये लगेगा पर्टिकुलर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की बात है, थोड़ी देर के बाद उसके नेबर दो कार्बन लगेगा देन फिर से नेबर दो कार्बन, सो अल्टीमेटली हमको ये लग रहा है ऑल कार्बन आर डोनर एटम, ये लगेगा बट एक्चुअली देर इज ओनली वन डोनर एटम, बट वी फील दैट देर आर नंबर ऑफ कार्बन विच इज वर्क एज अ डोनर एटम, सो दैट्स व्हाई हम उसको बोलेंगे एप्टिसिटी। इफ द कोऑर्डिनेशन थ्रू मल्टीपल एटम्स, आई रिपीट, इफ द कोऑर्डिनेशन थ्रू मल्टीपल एटम्स इज नॉट कॉन्टिग्यूस इज कॉल्ड डेंटिसिटी। ओके दोस्तों एक से ज़्यादा, आई रिपीट, एक से ज़्यादा एटम है और इसी तरह से वहाँ पे भी दोस्तों फिक्स नहीं है दैट दिस इज पर्टिकुलर डोनर एटम, बट वहाँ पे एक और चीज़ क्या है रखनी है दोस्तों, बट इन दैट केस यहाँ पे एक से ज़्यादा कार्बन एटम लग रहे विच आर डोनेटिंग, बट पर्टिकुलर ये केस में देखो आपको सैंडविच दिखेगा, दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर एंड दिस इज द मिडिल लेयर। अगर इसी तरह लग रहा है there are some donor donor compounds some ligands in which two or more than donor atoms are there, वहाँ पे भी particular donor एक ही होगा but एप्टिसिटी जैसा लग रहा है हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे that this is the particular donor atom, but अगर इसी तरह की condition है but sandwich नहीं है, contiguous नहीं है, sandwich नहीं है, then उसको हम दोस्तों वहाँ पे पर्टिकुलर इन दैट केस उसको एप्टिसिटी ना कहते हुए उसको हम बोलेंगे डेंटिसिटी ऑफ ए लिगेंड विच वी ऑलरेडी लर्न, मेजोरिटी कंपाउंड इसी तरह के होते हैं। एक और कंपाउंड दोस्तों हमको दिख रहा है, यहाँ पे भी हम देखो दिस इज पीटी, पीटी के साथ हमारे पास एक्चुअली C2H4, दिस इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन डबल बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 दैट इज C2H4, C2H4 के ये दोनों कार्बन के साथ अल्टीमेटली हमको ये लग रहा है दिस इज दी डोनर एटम और दिस इज दी डोनर एटम जो यहाँ पे लग रहा था, दैट्स वाई अगेन यहाँ पे भी सैंडविच लग रही है बट दिस सैंडविच इज लाइक अ वड़ा पाव, इस तरह की कुछ यू कैन सी।
बट एप्टिसिटी इज देयर दैट क्लियरली हम क्लियरली देख रहे हैं. दैट्स वाई यहाँ पे भी जो ये दिस सॉल्ट इज नॉन एज अ जेइस सॉल्ट वो भी याद रखना है. एग्जाम्पल दिस सॉल्ट इज जेइस सॉल्ट. अब दोस्तों आप देख सकते हो दैट ईटा स्क्वायर इट मीन्स टू कार्बन इन दी एटम देन C2H4 के बाद ट्वाइस ऐसा कुछ नहीं लिखा बिकॉज ओनली C2H4 इज देयर. देन PDCl3 माइनस दिस ऑल कंपाउंड दिस ऑल सॉल्ट इज नॉन एज अ जेइस सॉल्ट. ओके सो ये दोस्तों कुछ एडिशनल पॉइंट थे पर्टिकुलर फॉर दी आई रिपीट पर्टिकुलर फॉर दी मेटल कार्बोनिन लिगेंड्स. ठीक है ओके फ्रेंड्स सो नाउ अवर न्यू टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जानिए. ऐसे तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने बात की थी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो रूल भी है. बट फिर भी दोस्तों एज पर इज NCERT रूल अगर यहाँ पे हमको स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है तो हम क्या कर सकते हैं लेट अस सी. सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सो फर्स्ट स्टार्ट विद दी स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इन अ सॉल्यूशन रिफर्स टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज इन्वॉल्व इन अ स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम. सो दोस्तों हम ये कहते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक जब भी उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं तब डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ द टू पीसीज इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. The stability is expressed by the magnitude of equilibrium. I repeat, जब भी equilibrium की बात हो रही है दो species के बीच में equilibrium की बात हुई है जो थोड़ी देर के बाद हम example देखने वाले हैं but वहाँ पर दोस्तों इतना दिमाग में रखना है that association between these two species उसके लिए दोस्तों जो वैल्यू है द स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करते हैं. द स्टेबिलिटी इज एक्सप्रेस बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मैग्नीट्यूड से हम उसको डिराइव करेंगे कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉरी और उसको दूसरा नाम क्या देंगे स्टेबिलिटी और फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर द एसोसिएशन. सपोज दिस इज द मेटल और मेटल आयन इसका लिगेंड के साथ जब अटैचमेंट होता है उसके साथ दोस्तों जो स्पीसीज बनेगी एज पर एज इक्विलिब्रियम जो हमने 11th में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम पे उसका कांस्टेंट क्या हो सकता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम उसको बोलेंगे और वो जितना ज़्यादा है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा हम ये कह पाएंगे. ओके सो उसी की बात दोस्तों आगे करते हैं. सपोज वी हैव मेटल मेटल इज इक्वल टू प्लस एन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री और न्यूट्रल जीरो भी हो सकता है प्लस फोर एल हियर एल इज लिगेंड सो मेटल प्लस फोर लिगेंड में एक ML4 हियर एल इज मोनोडेंटेड लिगेंड्स यहाँ पे जो एल है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है. लार्जर द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट हायर इज द प्रोपोर्शन ऑफ द ML4 दैट एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन. जितना दोस्तों स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है उतनी ज़्यादा मात्रा में हमको सॉल्यूशन में ML4 मिलेगा. हायर द वैल्यू ऑफ द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट हायर इज द प्रोपोर्शन ऑफ ML4 इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हम बना रहे हैं. और एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों अगर सॉल्यूशन में ये कॉम्प्लेक्स की बात करें इट मीन्स पर्टिकुलर ये कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल के अलावा सॉल्वेंट भी होगा. सो ऐसा नहीं है दैट ये दिस एम प्लस इज फ्री और वो एकदम फ्री है किसके लिए वो लिगेंड की वेट कर रहा है. देर इज मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट ऑल्सो समटाइम्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज ऑल्सो वर्क एज अ लिगेंड ऑल्सो. सो यहाँ पे हमने अभी जो कंडीशन लिखी दैट कंडीशन मेटल और मेटल आयन इज इन वेट ऑफ द लिगेंड बट एक्चुअल में वहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी है. सो द फ्री मेटल आयन और मेटल रेयरली एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन सो दैट M इज द मेटल विल यूजुअली बी सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विच विल कम्पीट विथ द लिगेंड मॉलिक्यूल्स L एंड बी सक्सेसिवली रिप्लेस्ड बाय देम. क्लियर है. सो दोस्तों हम ये कहने जा रहे हैं जैसे यहाँ पे बता दिया ये मेटल लिगेंड की वेट कर रहा है ऐसा नहीं है लिगेंड के अलावा वहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी है वो भी यहाँ पे अटैच होने के लिए प्रिपेयर है और कई बार लिगेंड एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में कॉम्पिटिशन भी हो सकती है और कई बार सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिगेंड को रिप्लेस भी कर सकते हैं और कई बार पहले से जुड़े हुए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को लिगेंड भी रिप्लेस कर सकते हैं. ओके लेट अस कंसीडर
the stepwise association of the metal in metal ion and ligand. स्टेपवाइज ये देखते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ हम एक्सेप्शन ले लेते हैं, देर इज़ नो सॉल्वेंट. एक्चुअल में जो यहाँ पे दोस्तों अभी स्टेप बाय स्टेप स्टेज हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वहाँ पे इतना करेक्ट, जितना करेक्ट हम थियोरिकली सपोज कर रहे उतना करेक्ट प्रैक्टिकली ना मिले बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. बट यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं देर इज़ नो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओनली मेटल और मेटल आयन एंड दी लिगेंड. सो वी कैन राइट एम प्लस एन, M is the metal or metal ion, L is the ligand. अगर इन दोनों का अटैचमेंट हुआ किस तरह से होगा, by donation of the electron. So we will get ML, actually हमको ML मिलेगा. As per as equilibrium, इसका constant K1 कैसे लिख सकते हैं, we can write concentration of ML at equilibrium stage divided by concentration of metal and the ligand. दोस्तों ये समझ में रखना है, यहाँ पे मेटल प्लस हो तो मेटल प्लस और ओनली मेटल, यू कैन राइट ओनली मेटल. फिर दोस्तों यही ML का इसकी रिएक्शन हो रही है विथ वन मोर लिगेंड इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन एंड वी विल गेट ML2. ML स्क्वायर लिखा है बिकॉज ऑफ द पैटर्न, जो यहाँ पे पैटर्न है. एक्चुअली ML स्क्वायर ना लिखो, इसको ML2 लिखो, दैट इज ओके. सो K2 इज इक्वल टू ML2 विच इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, क्या थे हमारे पास ML and the L. Then ML2 plus L, we will get ML3. ML3 मिलेगा दोस्तों. अगर यहाँ पर कॉन्स्टेंट चाहिए देन वी कैन राइट ML3 डिवाइडेड बाय ML प्लस L. ठीक है, सपोज वी हैव MLN-1 अप टू N-1. M के साथ कितने L है, N-1 जितने, वी आर एडिंग वन मोर एल, सो ये -1 वो निकल जाएगा एंड वी विल गेट MLN. पर्टिकुलर इन दैट गैस आप KN भी लिख सकते हो, K4 भी लिख सकते हो. क्या होगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज MLN डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर MLN-1 इंटू N. अभी दोस्तों ये हुआ स्टेप वाइज कॉन्स्टेंट K1, K2, K3, K4. एक्चुअल रिएक्शन इज M+4L. सो अगर टोटल रिएक्शन के लिए दोस्तों M+NL इसके लिए डायरेक्टली लिखना है, देन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं K बीटा दैट इज MLN डिवाइडेड बाय M इंटू L रेस्ट टू N एज पर एज इक्विलिब्रियम थियरी, एज पर एज इक्विलिब्रियम थियरी. ओके, सो ये दोस्तों एक्चुअल में क्या है, इन सब का सम ही है. सो आप KB को चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, KB इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 अप टू KN. यहाँ पर आपको सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन इंटू दिख रहा है, बट एक्चुअल में जब डिराइव करोगे तब वहाँ पर आप एडिशन करोगे, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, सो आपको इतना याद ही रख लेना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रा अमोनियम आयन. ओके, दैट इज CuNH3 4+2. CuNH3 4+2 कब बनेगा दोस्तों, वी हैव वन कॉपर प्लस NH3+. कॉपर दैट इज मेटल, Cu+2, नॉट NH3+. Cu इज इन प्लस टू फॉर्म, सो यहाँ पे क्या होगा Cu+2, और उसके साथ कौन अटैच हो रहा है, वन लिगेंड दैट इज एमोनिया एंड वी विल गेट दिस टाइप ऑफ आयन. वी आर एडिंग वन मोर एमोनिया देन वी विल गेट CuNH3 2+2, देन वन मोर एमोनिया वी विल गेट CuNH3 3+2, वन मोर एमोनिया CuNH3 4+2. आई थिंक सबको पता चल गया होगा. अब इसके लिए अल्टीमेट आपको K1, K2, K3, K4 या डायरेक्टली KB फाइंड आउट करना है. Cu+2+4 ammonia विल गिव्स CuNH3 4+2, और वहाँ पे आपका KB क्या होगा, K-beta क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CuNH3 4+2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Cu+2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एमोनिया रेस्ट टू फोर, दैट यू कैन राइट. सो इस यहाँ से हमको जो मिल रहा है दैट इज ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअली स्टेबिलिटी फैक्टर है.
स्टेबिलिटी फैक्टर और स्टेबिलिटी कांस्टेंट। दोस्तों अगर ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है दैट इज एक्चुअली डिग्री ऑफ द एसोसिएशन, सो इनस्टेबिलिटी फैक्टर इसका अपोजिट क्या होगा? अगर एसोसिएशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है मीन्स डिसोसिएशन से कम होगी। सो यहाँ पे दोस्तों इन द प्लेस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इफ वी टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन देन यू विल गेट इनस्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी का रिवर्स अपोजिट मिलेगा। सो द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट और इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट, ये जो कॉन्स्टेंट मिला उससे अपोजिट होगा। सपोज इसको के बीटा बोला दैट इज के आई, सो हम ये लिख सकते हैं वन अपॉन के बीटा, और अगर उसको के अल्फा सपोज करें कि अल्फा इज इक्वल टू के अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन के बीटा दैट वी कैन राइट। ओके सो ये लिमिटेड क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में दोस्तों हमने पढ़ा है, ज़रूरत के मुताबिक इतना काफ़ी है, इसमें और कुछ ज़्यादा ऐड करना नहीं है, एनसीईआरटी लेवल तक का इनफ है, पर्टिकुलर फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नो नीड फॉर दी बोर्ड एग्जाम फॉर दिस ईयर ओनली। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यही स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हुए कुछ और फैक्टर्स, अगर कुछ और फैक्टर की बात करें दोस्तों उसमें से एक दो ऐसे पॉइंट आएंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। इट मीन्स दोस्तों जितना मेटल आयन का चार्ज ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, बात हुई थी चार्ज ज़्यादा उतना बैक बॉन्डिंग कम। यहाँ पे हम बैक बॉन्डिंग की बात नहीं करते, ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सो अगर दोस्तों हमारे पास वन इज Fe एंड वन इज Fe प्लस टू एंड प्लस थ्री, तो हमको पता होना चाहिए Fe प्लस थ्री वाले कंपोनेंट है वो ज़्यादा स्टेबल हो गए, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। उसके साथ और एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, जैसे मेटल आयन का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ द मेटल आयन डिक्रीज द स्टेबिलिटी इंक्रीज। सो यहाँ पे ये भी पता चलेगा लिगैंड विद द स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज फॉर्म अ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे हमारा जो मेटल है उसका चार्ज ज़्यादा है बट वॉल्यूम कम है, वहाँ पे दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर अ न्यूट्रल लिगेंड्स, अगर इन प्लेस ऑफ नेगेटिव चार्ज लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड्स आर देयर देन फॉर अ न्यूट्रल लिगेंड्स ग्रेटर इज द डाइपोल मोमेंट ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। अगर दोस्तों एक ही सिमिलर मेटल आयन है उसके साथ अलग अलग न्यूट्रल आयन के कॉम्प्लेक्स और वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट विच इज़ दी विच आर मोर स्टेबल एंड विच आर लेस स्टेबल, तो याद रखना है आपको उसके लिए पता होना चाहिए या फिर क्वेश्चन में इंडिकेशन दिया करना चाहिए दैट इज़ दी डाइपोल मोमेंट ऑफ दी न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड की जितनी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। देन मोर बेसिक लिगेंड्स, ये पॉइंट समझना है दोस्तों, एक्चुअली लिगेंड है जो सिग्मा बॉन्ड से जॉइंट होते हैं, पर्टिकुलर कार्बोनिल और उसके साथ हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो एक्सेप्शन है, उसके अलावा जितने भी लिगेंड्स हैं वो सभी केस में दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी दैट मोर बेसिक लिगेंड मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, लिगेंड की बेसिसिटी जितनी ज़्यादा उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स। बेसिसिटी मीन्स लिगेंड को हम बेसिक ही बोलते हैं ना, दे आर लुईस बेस बिकॉज दे आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, जितना बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है उतना जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और उसके अलावा चिलेटिंग लिगेंड्स और किलेटिंग लिगेंड इट मीन्स साइक्लिक सिस्टम बनती है, दे आर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, दे आर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। अभी दोस्तों फिर से एक बात रिपीट करता हूँ, ये टॉपिक थोड़ा हमने स्पीड में पढ़ा, इसके बाद यूजेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो पढ़ने ही है याद रखने हैं, कई बार JEE नीट में डायरेक्टली पॉइंट वाइज MCQ आ चुके हैं, आगे भी आगे, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे आर यूज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी are many and varied. They play a vital role in analytical chemistry, metallurgy, biological systems, industry and medicine. Let us see how. Let us start with the applications of coordination compounds in analytical chemistry. Coordination compounds find application in qualitative as well as quantitative chemical analysis. If you look at the qualitative methods of analysis,
Complex formation is of immense importance in the identification and separation of most inorganic ions. For example, when copper sulfate solution is mixed with aqueous ammonia, a deep blue complex soluble in water is formed. This reaction is used to detect cupric ions in the salt. Similarly, the separation of silver ions from mercury's ions in the first group of analysis is based on the fact that while silver chloride forms a water-soluble silver ammonia complex with ammonium hydroxide, mercury's chloride forms a black insoluble complex. There are numerous reactions in quantitative analysis where complexes are formed. For example, the formation of a scarlet-red complex with dimethyl glycoxime is the basis for the detection and estimation of nickel 2 plus ions. Similarly, the hardness of water is estimated by titration with the sodium salt of EDTA. During titration, the calcium and magnesium ions in hard water form the stable complexes calcium EDTA and magnesium EDTA. These ions can be selectively estimated due to the difference in the stability constants of calcium and magnesium EDTA complexes. Now let's see the application of complexes in metallurgy. Noble metals like silver and gold are extracted from their ore by the formation of cyanide complexes. Dicyano, argentate 1, and dicyano orate 1. The metals are displaced from the complex in the solution by zinc. Cyanide complexes also find application in electroplating. For example, in the electroplating of silver, large amounts of silver are held as a complex. Potassium dicyanoargentate 1. This provides very little, but all the silver necessary for electroplating. Thus, the articles electroplated with silver or gold are much smoother than those electroplated from a solution of simple metal ions. Metals can be purified by the formation and subsequent decomposition of their coordination compounds. For example, nickel can be purified by its reaction with carbon monoxide to form the volatile complex tetracarbonyl nickel 0, which is decomposed thermally to yield pure nickel. Naturally occurring coordination compounds are vital to living organisms. Metal complexes play a variety of important roles in biological systems. For example, chlorophyll, the pigment responsible for photosynthesis, is a coordination compound of magnesium. Hemoglobin, the red pigment of blood that acts as the oxygen carrier,
is a coordination compound of iron. Vitamin B12, cyanocobalamin, the anti-pernicious anemia factor, is a coordination compound of cobalt. Many enzymes that regulate biological processes are metal complexes. For example, carboxypeptidase, a hydrolytic enzyme important in digestion, contains a zinc ion coordinated to several amino acid residues of the protein. Another enzyme, catalase, which is an efficient catalyst for the decomposition of hydrogen peroxide, contains the iron porphyrin complex. One of the applications of coordination compounds is their use as catalysts for many industrial processes. For example, in the hydrogenation of alkenes, a complex metal catalyst, tris-triphenylphosphine rhodium 1 chloride, which is also known as Wilkinson's catalyst, is used. Similarly, another complex metal catalyst known as Ziegler-Natta catalyst, which is a combination of titanium tetrachloride and triethyl aluminium, is used in the polymerization of ethene. In black and white photography, the unreacted silver bromide on the film dissolves in a dilute hyposolution due to the formation of the complex sodium dithiosulfato argentate 1. Coordination compounds are also used in medicine. British anti-lewisite, or BAL, is used as an antidote for arsenic poisoning. Similarly, EDTA is used to treat lead poisoning. Toxic proportions of copper and iron in plants and animals are removed by using the chelating ligands D-penicillamine and desferrioxime B via the formation of coordination compounds. Some coordination compounds of platinum are effective in inhibiting the growth of tumors. For example, cisplatin is used in the treatment of cancer.